हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर एस के सिंह आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है और इसे बहुत ही कम टाइम में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप एक भी क्लास मिस ना कर पाएँ और आप बेहतर कर पाएँ जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसके नोट्स शॉर्ट नोट्स आपको इस टेलीग्राम के ऊपर मुहैया करा दिया जाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम है उससे ज्वाइन हो जाएगा मैं अनकेडमी पर हर दिन सुबह नौ बजे और शाम को आठ बजे पढ़ाता हूँ अब से मतलब कुछ ही दिन बाद 2023 की क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो आप अनकेडमी पर मेरे से फ्री में आके पढ़ सकते हैं आज शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पता है कि जो ब्रेन होता है वो हमारे हर एक ऑर्गेन को कंट्रोल करता है और ब्रेन का कंट्रोल जो होता है बहुत ही फास्ट होता है सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द टू और मोर ऑर्गेन इंट्रैक्ट एंड कम कम दैट्स इंट्रैक्ट एंड और उसके सारे फंक्शंस उसी के थ्रू होते हैं जैसे ऐसा समझ लीजिए कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलेगा ब्लड के थ्रू मिलेगा अब उसमें ब्लड का सप्लाई बढ़ेगी है ना उस ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे हाइपर वेंटिलेट करेंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपका बढ़ जाएगा रेट ऑफ़ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी वहाँ पे सो so, देख रहे हैं कि इससे कितने ऑर्गन आपस में आ, <coughs> आ, आ, आपस में अटैच हैं सो बाय दिस एक्टिविटी द लंग्स हार्ट एंड किडनी इन्वॉल्व न्यूरल कंट्रोल इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस वाई द एंडोक्राइन जो हम आज चार बजे पढ़ेंगे आ, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करें तो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कम्पोज ऑफ हाईली स्पेसलाइज्ड सेल विच इज़ कॉल्ड न्यूरोन एंड न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन अ लोअर इनवर्टिबरेट्स एग्जाम्पल द हाइड्रा इज कंपेयर टू द नेटवर्क ऑफ द न्यूरो इन इंसेक्ट द ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंगलिया एंड न्यूरल टिश्यू एंड वर्टिबरेट्स आर मोर डेवलप इन न्यूरल सिस्टम पूरे न्यूरल सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं सेंटर नर्वस सिस्टम एंड पेफरल नर्वस सिस्टम सेंटर मतलब ब्रेन पेरेफरी मतलब हाथ पैर में तो सेंटर नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पेरेफरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम सिंपथैटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम स्ट्रेस में रहते हैं जब हमें डर लगता है तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है जब हम पैरासिम्पथेटिक जो होता है रिलैक्स uh, कंडीशन में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है पीएनएस में आफ्रेंट फाइबर ईफ्रेंट फाइबर आफ्रेंट का मतलब आना कोई भी ऑर्गन से अगर इम्पल्स या मैसेज या एक्शन पोटेंशियल या कुछ भी चीज़ ब्रेन के तरफ ब्रेन के तरफ जाए उसे हम आफ्रेंट फाइबर कहते हैं और ब्रेन से ब्रेन से कोई भी इम्पल्स ऑर्गन तक आए तो दैट इज कॉल्ड इफ्रेंट फाइबर्स के द्वारा होता है दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे हैं दिस इज अ डेंड्राइड्स डेंड्राइड जो होते हैं हर एक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं दिस इज साइटोप्लाज्म इसके अंदर न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी और इसमें निजल ग्रेन्यूज होता है जो आया हुआ क्वेश्चन है निजल ग्रेन्यूज आर इरेगुलर इरेगुलर मासिस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखिएगा विद ए न्यूमरस एज वेल एज फ्री राइबोसोम एंड पॉलिसोम नीट के लेटेस्ट ईयर में क्वेश्चन आया है uh, ये पूरा का पूरा हमारा एक जोन है और इस एक जोन के ऊपर कवरिंग जो होती है इस कवरिंग का नाम है माइलीन शीट दे आर कॉल माइलीन शीट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइलीन शीट प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन से विटामिन की जरूरत होती है विच विटामिन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइलीन शीट ये प्लीज येस द विटामिन बी ट्वेल्व बी ट्वेल्व इस माइलिन शीट में ब्लैक ब्लैक कलर का देख रहे हैं तो दिस इज द स्वान सेल विच इज अ फिक्स माइक्रोफेजिज अगर किसी न्यूरॉन में अगर कोई भी पैथोजन आता है तो उसे किल करने में मदद करेगा तो अल्टीमेटली द न्यूरॉन इज कम्पोज ऑफ द थ्री मेजर पार्ट द सेल बॉडी डेंड्राइड्स एंड एक्जोन सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्लियस एंड निजल ग्रेन्यूज एंड एक डेंड्राइड्स विच रिसीव द इन्फॉर्मेशन और एग्जोन कंटेन द माइलिन शीट एंड द स्वान सेल्स ईच ब्रांच टर्मिनेट इन द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं

और सबसे इंपॉर्टेंट है बाईपोलर न्यूरोन एक्सोन एंड वन डेंड्राइड फाउंड इन द रेटीनाटेड एंड नॉन मालिनेटेड मालिनेटेड में क्या होगा कि एक डायरेक्शन में मैसेज डिलीवर होगा बट अगर नॉन माइलेटेड होगा तो मैसेज इधर उधर फैल जाएंगे तो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे अगर हमें विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो जाती है तो हमारा जो न्यूरॉन होगा वो नॉन माइलेटेटेड हो जाएगा और उस पेशेंट को कभी भी चक्कर आ सकते हैं और कभी भी वो गिर सकता है तो इससे ऐसे हम इसे समझ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं नाउ द वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स डिफरेंट टाइप ऑफ आय चैनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेमब्रेन द रेस्टिंग स्टेज द रेस्टिंग स्टेज द न्यूरोन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स अगर कुछ भी अगर कोई बॉडी टच नहीं कर रहा है कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है तो कोई भी न्यूरोन कंडक्ट नहीं होता है अब देख पा रहे हैं रेस्टिंग कंडीशन में अंदर जो है एक्जो प्लाज्म के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है बट सोडियम नहीं आ रहा है क्योंकि सोडियम वाला जो चैनल है वो बंद है इसको याद रखना है कि रेस्टिंग स्टेज में अंदर में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन और पोटेशियम की मात्रा बढ़ी रहती है सोडियम नहीं रहता है तो एक्जोप्लाज्म इन साइड द एक्जोन कंटेन द हाई कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम तो आउटसाइड जो होता है इसे नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के वजह से नेगेटिव हो जाता है और बाहर क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा क्योंकि सोडियम बाहर है तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की का डायग्राम है जैसे किसी ने इम्पल्स दिया तो ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा आ, तो आउटर चार्ज ये जो अभी मैंने बताया है वैसे होगा और जैसे ही अगर आपने मैसेज भेजा तो सोडियम आयन खुल जाएंगे अंदर पॉजिटिव यानी सोडियम अंदर आ जाएगा और बाहर हमारे नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब ये है कि इसे इम्पल्स दिया गया है एक कंडक्शन कर रहा है तो नर्व अंडर द रेस्टिंग पोटेंशियल आर पी एम माइनस एटी फाइव मिली वोल्ट कैरी करता है अगर हम इसे स्टिमुलस देंगे तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा सेवन मिली वोल्ट माइनस से अब सेवन मिली वोल्ट हो गया मेम्ब्रेन एक्टिवेशन सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे सोडियम अंदर जाने लगेगा और चीज़ें अपोजिट हो जाएंगे इसे और सही तरीके से देखें तो ऐसा हम देख सकते हैं वन द स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ पोलराइज मेब्रेन द मेम्रेन बिकम फ्री परमिबल टू द सोडियम एंड द लीड टू द रैपिड इन्फ्लैक्स ऑफ सोडियम सोडियम जल्दी 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 अंदर जाएगा फॉलेड रिवर्सिबल ऑफ पोलरिटी बिकॉज चेंज हो जाएगा अंदर पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू द सोडियम और बाहर नेगेटिव हो जाएगा निगेटिव चार्ज एंड इनर साइड बिकम पॉजिटिव चार्ज एंडेशन डीपोलराइजेशन का मतलब वहां पर कुछ काम हुआ है है ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल ठीक है ये लिव रहता है ज्यादा देर तक नहीं रहेगा नाउ द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के बारे में बात करें तो नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन थ्रू द जंक्शन इज कॉल्ड साइन सैनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन सैनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब क्या दो न्यूरॉन के बीच में जो पोटेंशियल गैप होता है फंक्शन गैप प्रेजेंट बिटवीन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरोन इस कॉल द सनेप्टिक क्लैफ्ट दो टाइप का होता है इलेक्ट्रिकल और कैमिकल इलेक्ट्रिकल बहुत फास्ट होता है कैमिकल बहुत स्लो होता है बिकॉज दे हैव अ कैमिकल ये डाइग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर यहाँ पे पोस्ट खासकर यहाँ पे आपको देखना है कि मेमब्रेन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सैनेप्टिक मेम्ब्रेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये आप देख पा रहे हैं दे आर कॉल्ड सैनेप्टिक वेसिकल जहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं है ना फ्यूज होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज हो जाएगा यहाँ पे रिसेप्टर होता है जो पोस्ट सनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है उसे रिसीव करेगा

फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू सेरेब्रम हेमिस्फीयर राइट को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं cerebrum thalamus और hypothalamus. Cerebrum का दो हिसा होता है, राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर सेरेब्रम अस्सी प्रतिशत हिस्सा ब्रेन का होता है सबसे बड़ा हिस्सा होता है दोनों लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जो ज्वाइन करता है वो कॉर्पस कैलोसम होता है आया हुआ क्वेश्चन है मिड ब्रेन कार्पा क्वाडीजिमना और हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं सेरे बेलम नॉट अ सेरेब्रम सेरे बेलम और पोन्स एंड मेडुला ब्रेन के बारे में और ज्यादा बात कर लेते हैं तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का इट कॉन्टेट इट्स कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी बैलेंस द बॉडी फंक्शनल ऑफ वाइटल वाइटल इंफॉर्मेश्स लंग्स हार्ट किडनी थर्मोरेगुलेशन हंगर एंड थर्स एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड ब्रेन ही करता है जैसे हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है ह्यूमन बिहेवियर प्रोसेसिंग ऑफ विजन हियरिंग मेमोरी इंटेलिजेंस इमोशन थॉट सब करेगा तो ये ब्रेन का सजाइटल सेक्शन है ऐसे काट के देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा सेरेब्रम हेमोस्पियर नजर आएगा दिस इज अ कॉर्पस कैलोसम आधा हिस्सा फिर ब्रेन का जोड़ देंगे यहाँ से तो ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल स्कल से कवर होता है एंड दैट्स दे दे हैव द क्रेनियल मेनज क्रेनियल मैनेजेस में देखेंगे तो आउटर लेयर को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं मिडिल लेयर को आर्किनॉयड और सबसे अंदर जो होता है पाया मैटर होता है तो ये लेयर है आप देख पा रहे हैं दिस इज़ अ लेयर एक्चुअली और फिर यहाँ पे ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड होता है तो ये जो आर्किनोइड है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो प्लेक्सेस होता है दे आर कॉल्ड आर्किनोइड प्लेक्सेस आर्किनॉइड प्लेक्सेस के अंदर सी एस एफ CSF बनता है ट इन साइड द ब्रेन और जिससे ब्रेन में बायसी प्रोवाइड होता है और ब्रेन हल्का महसूस होता है क्योंकि ये बहुत भारी है एक ग्रूव देख पा रहे हैं दे आर कॉल्ड सल्काई और गायरी जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरोन और ब्लड वैसेस लगे रहते हैं न्यूरोन एंड ब्लड वैसेस लगे रहते हैं राइट right? uh, तो ब्रेन कैन बी डिडेड थ्री पार्ट द फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन में सेरेब्रम एंड थेलोमस सेरेब्रम के बारे में अगर बात करें तो सेरेब्रम फॉम द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड दिव क्लिफ्ट डिवाइडेड द सेब्रम इन लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडल इंटू द हाफ वैन वैन द लेफ्ट सेबरम हेमस्फियर एंड राइट सेरेब्रम हेमस्फियर विद जॉइंट विद द कॉर्पस कैलिसम कॉर्पस कैलिसम बहुत ही यूनिक और करेक्टरिस्टिक फीचर है और कहीं मिलता नहीं है यहाँ पर देख रहे हैं कि दे आर कॉल व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर एंड देर इज अकोमोडेशन ऑफ न्यूरोन तो न्यूरोन कैन ओवर हियर एंड दे दे इम्पार्ट द डिफरेंट कलर सेटेक्स मेनली मोटर एरिया सेंसरी एरिया एंड एसोसिएटेड एरिया एसोसिएटेड एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमरी एंड कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशंस में जा, जाना जाता है राइट right.

वेंटिकल्स uh, 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 और uh, दो लेट्रल वेंटिकल्स होते हैं इधर वाला आप देख पा रहे हैं ये लेट्रल वेंटिकल है लेट्रल वेंटिकल है थर्ड वेंटिकल फोर्थ वेंटिकल और इसी से पूरा सीएसएफ घूमता है आर्किनॉइड प्लेक्सेस के बारे में मैंने बताया था अभी सी एस एफ जनरेट होता है सीए न्यूट्रिशन करता है पूरे बॉडी को न्यूट्रे ब्रेन के हर पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है नाउ हाइन ब्रेन पोन्स मेडोला एंड सेरेबेलम मेडोला ऑफ लेंगेडा यू नो वेरी वेल दे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वॉमिटिंग सेंटर सांस लेने और छोड़ने में मदद करते हैं मेडोला हैविंग द कंट्रोल द रेस्पिरेशन कार्डियो वैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन ना वी हैव अ ईयर वी हैव अ ईयर तो ईयर हैविंग द थ्री पार्ट द एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर एंड इनर ईयर एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है हमारा पिन्ना आता है और ये दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आता है मिडिल uh, ईयर में मेनली हमारा मेलियस इनकस और स्टेप्स आता है और इनर ईयर में कॉकलिया पूजा जाता है ईयर का मेन फंक्शन है हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी और ईयर दो पार्ट तीन पार्ट होता है जैसे मैंने बताया है पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनिंग मिडिल ईयर में मैलस इनका जो स्टेप और स्टेशन ट्यूब होता है जो मिडिल ईयर से कनेक्ट करता है फैरिंग्स को इनर ईयर में द लेवरिथ कॉकलिया ऑर्गेन ऑक्टाई हेयर सेल वेस्टिकुलर एपरेटर सेमी सर्कुलर कैन ऑलिथ सेल्स जो मेनली बैलेंसिंग में मदद करते हैं एक्सटर्नल ईयर में देखें तो पिन्ना के बारे में अगर बात करें तो पिन्ना के बारे में अगर बात करें तो पिन्ना इज कलेक्टिंग द साउंड अगर पीछे से कोई बुलाए तो मैं मुझे कान को पीछे नहीं करना पड़ेगा मेरा पिन्ना उसे कलेक्ट कर लेगा तो कलेक्टिंग द साउंड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन दिस इज एक्सटर्नल ऑर्डिटरी कैनाल दे हैव वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड वैक्स सिक्रेशन सीवीसेस ग्लैंड जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा अंदर जाने नहीं देगा दिस इज द टिम्फेनिक मेमब्रेन दे हैव अ बैक्टीरियो लिटिक एक्शन एंड ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एक्सटर्नल ईयर पिन्ना विच इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स जितने भी मैमल्स है वही करेंगे कलेक्ट द साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कहीं से भी करेगा एक्स्ट्रा ऑडिडी कैनाल जो पिन्ना को टिम्फेनिक मेमब्रेन से जोड़ता है टिम्फेनिक मेमब्रेन कान का पर्दा होता है जो बेसिकली स्किन से बना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है आउटर में देखेंगे तो स्किन होता है अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग होता है बहुत बम ब्लास्ट होता है तो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन फट सकता है बट कोई भी इंसेक्ट यहीं तक जाएगा आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये बंद है रास्ता ही बंद है मिडिल ईयर में ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है कान का पर्दा है और ये मेलस इनकर स्टेप है तो जब भी साउंड आएगा तो इनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा और ये वाइब्रेशन को एम्प्लीफाई कर देते हैं कोई आपके बारे में चुगली करेगा तो वो उसे एम्प्लीफाई करके बता देंगे कि हाँ तुम्हारे बारे में ही बात चल रही है यहाँ जो स्टेप है ये ओवल विंडो में खुल खुलता है और यहाँ पे राउंड विंडो इसके नीचे ही होता है और यहाँ से एक स्टेशन ट्यूब निकलता है जो फेरिंग्स में आके खुलता है जब जब दवाई वाई डालते हो तो थोड़ा बहुत टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से आ जाता है क्योंकि स्किन है और दवाई की फीलिंग जो है आपको मुंह में नजर आती है टेस्ट मतलब उसका आता है इनर ईयर के बारे में बात करें तो इनर ईयर में वी से याद कर सकते हैं जैसे पीएम पहले होता था वी से याद कर सकते हैं वेस्टिवलाई मीडिया एंड टिम्फेनाई ऊपर के दोनों में जो फ्लूड होता है वो पेरी लिम्फ होता है और अंदर लिम्फ होता है स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन uh, है दे आर कॉल्ड वेसिलर मेम्ब्रेन और इस वेसिलर मेम्ब्रेन में प्रोजेक्टेड सेल्स हैं दे आर कॉल्ड हेयर सेल्स एक टेक्टोरियल मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पे हेयर्स लगे हुए होते हैं अंदिस वन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तो जैसे वाइब्रेशन आएगा तो ये टच होगा इस हेयर सेल पर तो जैसे ही ये हेयर सेल पे टच होगा जैसे ये हेयर सेल पे टच होगा तो हेयर सेल के ऊपर ऐसे स्टेरियो सीलिया होते हैं ऊपर के साइड में और वहाँ से इम्पल्स जनरेट हो जाएगा जैसे ये टच करेगा दे जनरेट अ इम्पल्स और ये इम्पल्स हमारे कान के जो कॉकुलियर नर्व है सीधा वो ब्रेन में लेके जाएगा और उस इम्पल्स को एनालाइज़ करेगा कि उसने क्या बोला है आई लव यू बोला है कि आई हेट यू बोला है ठीक है तो एनालाइज कर लेगा कॉकुलियर डिवाइडेड टू द थ्री पार्ट अपर मिडल एंड लोअर राइट सो मेम्ब्रेन उसे दिस इज ओवल विंडो एंड दिस इज अ राउंड विंडो और ऊपर पेरीलिम्फ होता है अंदर हमारे एंडोलिम्फ होता है ओवर दे बैलेंसिंग द बॉडी जैसे आप कहीं जा रहे हैं और सो जाते हैं ऐसे है ना किसी के गर्दन पर रख के और उसने गर्दन खींचा तो अचानक से उठ जाते हैं तो ये एक क्रिस्टा होता है जो टच होते ही आप आ, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है दे कंसिस्टिंग द थ्री सब सर्कुलर कनार राइट एंगल टू ईच अदर दे कंसिस्ट ऑफ सक्यूल एंड यूट्रिकल्स है ना बैलेंसिंग में मेनली मदद करता है तो हम सुनते कैसे हैं आइए इसको समझ लेते हैं एक्सटर्नल ईयर साउंड एक्सटर्नल ईयर साउंड रिसीव डायरेक्ट इन टू द ईयर ड्रम ईयर ड्रम में डायरेक्टली आता है ईयर ड्रम वाइबरेट रेस्पॉन्स टू द साउंड और ये साउंड जो है uh, मेलस इनकल स्टेप्स होते हुए राउंड विंडो तक पहुँचता है ना दे पास इन टू द फ्लूड ऑफ कॉकला दिनरेट अ वेव क्योंकि पानी है तो उसमें साउंड से वेव जनरेट होगा एंटेक्टोरियल मेमरिन टच होगा हेयर सेल पर वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और इस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया ऑडिटरी न ब्रेन के तरफ जाएगा जहाँ पर आप इम्पल्स को सुन लोगे है ना इम्पल्स इज एनालाइज साउंड इज रिकनाइज किया अरे तो डॉक्टर एस के सिंह की आवाज है ठीक है कि आवाज़ क्या है इम्पल्स को आप एनालाइज कर सकते हो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ आई करेंगे करेंगे कि आई जो होता है स्पेरिकल शेप होता है और आई कंपोज ऑफ थ्री लेयर स्क्लेरा क्लोराइड एंड रेटिना स्क्लेरा जो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और आगे आके कॉर्निया और कंजक्टाइबा बनाता है हमारे आँख में एक और परत होती है उस परत को हटाएंगे तो कॉर्निया हटेगा फिर आपको आँख में वाइट वाइट नज़र आता है ये कंजक टाइबा है कॉराइड जो है पीछे से आता है और आगे आके सिल बॉडी और आयरिस बनाता है और रेटिना हमेशा पीछे ही रहता है आगे नहीं आ पाता है इसके अंदर रॉड सेल कौन सेल होता है आप आँख में देख पा रहे हैं तो ये वाइट वाइट है दिस इज कॉल्ड कंजक और इसके ऊपर पूरा एक कवरिंग होता है दिस इज़ कॉल्ड कॉर्निया है ना ट्रांसपेरेंट होता है आ, आप यहाँ पे लेयर बहुत बखूबी से देख पा रहे हैं ये रेटिना जो होता है ये अंदर वाला ही है देख पा रहे हैं ए, और ये आगे की तरफ नहीं आता है आगे की तरफ जो है ये वाला आता है हमारा जो कोरोइड है वो वाला आता है आगे की तरफ आके सिलियरी बॉडी बनाता है जो लेंस को होल्ड करके कर रखता है और स्क्लेरा आगे की तरफ आके दो चीज बनाता है कॉर्निया और कंजकटाइवा बनाता है ये आंख में देख पा रहे हैं कि लेंस और ये लेंस और ये पूरा जो है विट्रस ह्यूमर है और ये यहाँ पे कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर है एक्वस ह्यूमर है ठीक है तो ये डायग्राम है कॉर्निया के बारे में अगर बात करें तो इंटीरियर पार्ट ऑफ आई इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट विच इज़ ए वैसकुलर वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है ब्लड सप्लाई इज़ नॉट प्रेजेंट देयर फोर दे कैन बी ईजिली ट्रांसप्लांट विदाउट ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन दे हेल्प इन द इंटेक ऑफ वॉटर मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर स्लेरी बॉडी आगे की तरफ आता है जो लेंस को फिक्स करके रखेगा और आयरिस की वजह से कलरफुल आंख होती है ब्लू ब्राउन ब्लैक राइट यहाँ आप देख पा रहे हैं दिस इज अयरिस दिस इज अन्स दिस इज अ प्यूपिल प्यूपिल एक अपर्चर है प्यूपिल डायट हो जाएगा तो आपका लेंस का साइज बढ़ जाएगा आप अच्छे तरीके से देखोगे कंस्ट्रक्टेड हो, हो जाएगा छोटा हो जाएगा रेटिना इनर लेयर है आगे की तरफ कभी नहीं आता है इसके अंदर रॉड सेल और कोन सेल होते हैं कोन का मतलब होता है कलरफुल विजन यानी दिन में एक्टिव रहते हैं और रॉड सेल जो होते हैं रात में एक्टिव होते हैं रेटिना कंटेन द थ्री लेयर आउटसाइड फोटो रिसेप्टर सेल फिर बाईपोलर न्यूरोन गैंगलियन सेल्स गैंगलियोन सेल्स राइट रॉड सेल कनेक्ट द दर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडॉपसिन और विजुअल पर्पल रोडॉपसिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए ज uh, तो बनता है They are also called macula lutea. और uh, यहाँ पे जो है ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पे कोई भी इमेज नहीं बनता है क्वेश्चन आया है जहां से ऑप्टिक uh, नर्वस निकलता है कैसे हम देखते हैं

आलिया भट्ट अब ऐसे देख रही है प्रेगनेंसी के बाद तो ये जो देखते हो जो ये देखते हो ये ऐसे ही देखते हो है ना न्यूरल इम्पल्स कैन बी एनालाइज और इमेज रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द मेमोरी मेमोरी के बेस पे आप उसको एनालाइज करते हो कि आपने उस व्यक्ति को कभी देखा है या नहीं देखा है दैट्स ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू थैंक यू थैंक यू नीट यकीन वाला थैंक यू सो मच फॉर द गुड मैसेजिंग सिमरन आपने हमेशा लिख रहे थे कि दिस इज़ अ ग्रेट सेशन थैंक यू सो मच सिमरन सोयल नीट एस्परेंट गौरी उर्मी मानसी मायांक प्लीज शेयर दिस शेयर दिस वीडियो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए आप ही हमारी ताकत हैं फातिमा विशाखा सैनी ज्योति यादव प्रोतीम आरिफ सिमरन कल हम मोस्ट पब्ली पूरा क्लास एलेवेंथ का लाइव करेंगे पाँच से छः घंटे में पूरा एलेवंथ ख़त्म करने का प्रयास करेंगे हेलो मानसी स्वीटी यस सुदर्शन फातिमा गणेश थैंक यू चार बजे मिलते हैं आज ठीक है